नमस्ते दोस्तों, इन शो में कृतिका कटोचकन तो देखा है समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी नेताओं जो सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, मामले की सुनवाई मई के दूजे हफ्ते च होनी है। हिमाचल के चिन्हित 414 मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग विशेष अभियान चलाना है ताकि इन केंद्रों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जा सके। हिमाचल के लोकसभा चुनावों कन्ने 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। 1 जून जो वोटिंग, 4 जून जो काउंटिंग होनी है। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के फार्म आचार संहिता लगने के बावजूद बनने का आरोप लगाया। इस लेने भाजपा की ओर से चुनाव आयोग च शिकायत भी दर्ज करवाई दी गई है। भाजपा के हिमाचल सरकार बनाने दावे पर प्रतिभा सिंह बोले कि भाजपा दावा करी सकती, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह तैयार है। विधानसभा के उपचुनावों में सारिया सीटा जीतने के कम्मे पर लगी है कांग्रेस। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा बोले कि 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट 15 मई से पहले निकाल दिए जाने ने। RCB की जीत करने हिमाचल की बेटी रेणुका ठाकुर ने एक बार प्रदेश नाम फिर से रोशन कर दिया। हिमाचल स्कूलों व्यावसायिक शिक्षा पर मंथन जो लेने 2 दिवसीय कार्यशाला का आगाज शिमला के होटल होलीडे होम च होया। बॉलीवुड प्रोड्यूसर एकता कपूर ने माता ब्रजेश्वरी मंदिर टेकिया मत्था। हिमाचल के कालका शिमला नेशनल हाईवे पर बड़ी बड़ी चट्टाना सड़क पर रो दी है, जिस कारण से आवाजाही बंद हुई है। पहाड़ी अंदाज 10 बड़ी खबर दिखने वास्ते तुम दिखते रहे समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।